अगर एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में अस्पताल जैसी जगह पर भी भयानक अपराध हो जाए और सबको लगने लगे कि इस भयानक अपराध की जांच पुलिस के बस की बात नहीं है, वहां के सीबीआई से जांच करानी चाहिए, तो यह उस राज्य की सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। लेकिन कोलकाता रेप और मर्डर केस में यही हो रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए कहा है, यानी ममता बनर्जी की पुलिस की जांच पर कोर्ट को भी भरोसा नहीं है। यह हाल हो गया आज की डेट में बंगाल की पुलिस का, बंगाल में कानून व्यवस्था का। कोर्ट भी कह रहा है सीबीआई से जांच करा लो। यही संदेश खाली के मामले में भी हुआ था, जब बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे और फिर कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। अब कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ तो फिर बंगाल के सिस्टम का वही हाल है, जबकि यह बहुत ही भयानक घटना है। क्योंकि आप सोचिए कि अस्पताल जैसी जगह जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, जहां मरता आदमी भी जिंदगी पाता है, उस अस्पताल में कोई मर जाए, रेप हो जाए ये आरोप लगे, मर्डर हो जाए ये आरोप लगे, तो उस सुरक्षित जगह को कौन सुरक्षित मानेगा भाई? अस्पताल जैसी जगह जहां लोग अपने दुख दर्द पीड़ा के साथ जाते हैं और डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वहां पर अगर महिला डॉक्टर के साथ रेप हो जाए और उसकी बेरहमी से मर्डर कर दिया जाए, तो फिर यही कहेंगे कि अपराधियों को किसी का खौफ ही नहीं है। कोलकाता में जो हुआ वो कोई सामान्य अपराध नहीं है, कोई राह चलते हुआ अपराध नहीं। कोलकाता ही नहीं, देश के नामी मेडिकल कॉलेज के अंदर दिल दहलाने वाला अपराध हुआ है और इसी वजह से देश भर में गुस्सा है। कई दिनों से देश भर के डॉक्टर सड़कों पर हैं, क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कि अगर कोई प्रोफेशनल अपने काम करने वाली जगह पर भी सुरक्षित नहीं होगा तो फिर किस तरह की स्थिति बन जाएगी। अगर बंगाल का यही हाल रहा तो जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ वो तो किसी भी प्रोफेशनल के साथ हो जाएगा, लोगों को डर लगेगा। अगली बार कोई डॉक्टर नहीं तो कोई वकील होगा, कोई टीचर होगा, कोई भी हो सकता है, ये डर तो मन में बैठ ही जाएगा ना भाई कि कौन सेफ है बंगाल में, जहां पुलिस जांच नहीं कर पा रही, जहां पुलिस पकड़ नहीं पा रही, सीबीआई को हर बार घुसना पड़ता है, कभी संदेश खाली होता है, कभी डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाता है, तो पब्लिक तो घबराएगी भाई कि लॉ एंड ऑर्डर बचा भी है कि नहीं बचा है। और इसलिए यह मामला सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। इस तरह के अपराध पर जांच और एक्शन में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अपराधी अपराध करने के बारे में सोचकर भी काम जाए। अगर यूपी होता तो अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे अपराधी को मिट्टी में मिला देते, लेकिन यह मामला बंगाल का है और वहां पर ममता बनर्जी का राज है और उनकी पूरी ताकत तो इस वक्त नरेंद्र मोदी से भिड़ने में लगी, और शायद यही वजह है कि वहां का सिस्टम नकारेपन की ऐसी चपेट में आ चुका है कि कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच पुलिस से छीन ली गई। आज हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए जो बातें कही हैं वो आप डिटेल में सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि क्या हाल हो गया है बंगाल का। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे जिस केस से पूरा देश हिला हुआ है उस पर इंडी गठबंधन गहरी नींद में सोया हुआ है, जैसे कुछ बहुत बड़ी बात हुई नहीं है, और अभी एक हिंडनबर्ग का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद देखिएगा कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगेंगे ये लोग मोदी 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 करते हुए। मैंने आपको कितनी बार बताया बॉस कि आपके अपनों की जिंदगी, उनकी इज्जत, आपके अपनों का पैसा, उनकी तकलीफ, इस देश के विपक्ष के लिए कोई मतलब ही नहीं रह गई है जब तक कि वो नरेंद्र मोदी के घेरने के काम ना आ सके। महिला सुरक्षा पर आपको इंडी गठबंधन की भाषा भी दिखाऊंगा कि जब विपक्ष के राज्यों में वारदात होती है जहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने का मामला हो तब भाषा कैसी होती है, और जब इंडी गठबंधन के दोस्तों के राज्यों में अगर कोई घटना हो जाए तब किस टोन में ये लोग बात करते हैं, अभी सब दिखाऊंगा विस्तार से। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि यह जांच बंगाल पुलिस की जगह सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि शुरू में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया क्योंकि उस वक्त मर्डर होने की तुरंत कोई शिकायत नहीं मिली। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि शुरुआत में मर्डर का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, शुरू में इसे अननेचुरल डेथ का केस क्यों बताया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर का शव कोई सड़क के किनारे तो मिला नहीं था, सुपरिटेंडेंट या अस्पताल के प्रिंसिपल शिकायत दर्ज करवा सकते थे। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। इस पर बंगाल सरकार के वकील ने ना में जवाब दिया। इस सब बातों पर हाईकोर्ट का यह कहना पड़ा कि जांच में कुछ तो मिसिंग है। सोचिए कितनी बड़ी बात हाईकोर्ट कह रहा है कि जांच में कुछ तो मिसिंग है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि शुरुआती चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि केस में जांच में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई।
कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन पीड़ित या पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। आप सोचिए लॉ एंड ऑर्डर का इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि एक मतलब ये ऑलमोस्ट निर्भया जैसा केस है, ऐसी क्रूर हत्या हुई है यह आरोप लग रहा है और हाईकोर्ट कह रहा है कि सिस्टम पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है और इंडिया अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार को यह डर है कि अगर जांच ऐसी ही चलती रही तो जांच पूरी ही नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की इस दलील को मानते हैं कि सबूत नष्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इस जांच को सीबीआई को सौंपते हैं जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और पब्लिक का भरोसा बढ़े। आप सोचिए इतनी खौफनाक वारदात पर कोलकाता पुलिस ऐसी जांच कर रही थी कि पीड़ित परिवार को सबूतों के नष्ट होने का डर सता रहा था और कोर्ट को लगा कि यह डर सही है। चल क्या रहा है बॉस बंगाल में, संदेश खाली में वही हाल, कोलकाता के इतने गंभीर मामले में वही हाल, पुलिस है किस लिए भाई? आप सोचिए कि एक ही दिन में हाईकोर्ट ने सारी बातें सुनकर सब कुछ साफ साफ देखकर फैसला ले भी लिया कि इस तरह के विभत्स अपराध में जिस तरह से जांच हो रही है उसमें इस अपराध की जांच सीबीआई को देना ही उचित है। लेकिन महिला होकर भी ममता बनर्जी यह फैसला नहीं कर पाई कि इस अपराध की जांच पुलिस से नहीं सीबीआई से करवानी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो यह बोला था कि रविवार तक पुलिस इस केस पर पूरा खुलासा कर दे, नहीं तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी को लग गया था कि इस मामले में पुलिस सही से जांच नहीं कर पा रही है तो वो कल ही सीबीआई जांच के लिए कह देती, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्यों? वो इंतजार कर रही थी कि पुलिस इस मामले की जांच कर लेगी। इसलिए तो पीड़ित के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का बयान सुना कि कुछ दिनों में पुलिस की जांच पूरी नहीं होती है तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन इस तरह की देरी बहुत घातक हो सकती है क्योंकि तब तक सबूत भी नष्ट हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस का रवैया बहुत ही लापरवाही भरा रहा है, इसलिए तुरंत सीबीआई जांच की मांग की गई। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, इस भयानक घटना के बारे में फिर से आपको याद दिलाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों इसे निर्भया कांड से कंपेयर किया जा रहा है और क्यों एक महिला मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार कर रही है, उनकी सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है, यह गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दरअसल कोलकाता के नामी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ यह जघन्य घटना 8 और 9 अगस्त की रात को हुई। ट्रेनी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वारदात वाली रात ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। ट्रेनी डॉक्टर रात 2 बजे अपने 4 सहयोगियों के साथ डिनर के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई। डॉक्टर के सहयोगी तो सेमिनार हॉल से चले गए लेकिन डॉक्टर वहीं सोने लगी कहा थी। 9 अगस्त को सुबह 6 बजे ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का रेप करने के बाद मर्डर किया गया। इस केस में पुलिस ने जिस आरोपी संजय रॉय को पकड़ा था उसके बारे में कई खुलासे हुए कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का सहयोग करता था। बाद में संजय रॉय को पुलिस कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर संजय रॉय आरजी कर अस्पताल में पुलिस चौकी में आ गया। इससे संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में एंट्री मिलने लगी। संजय रॉय लोगों को बताता था कि वो पुलिस के साथ काम करता है। संजय रॉय की बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। संजय रॉय मरीजों को अस्पताल में दाखिला दिलाने और बेड दिलाने के बदले पैसे भी लेता था। संजय रॉय के मोबाइल से सैकड़ों अश्लील वीडियोस मिले। संजय रॉय ने 4 बार शादी की थी और 3 बीवियां उसे छोड़कर गई थी। चौथी बीवी की मौत हो गई। संजय रॉय पर अपनी मां, बहन और बीवियों के साथ मारपीट के भी आरोप लगे हुए। संजय रॉय शराब पीता है और हिंसक मानसिकता का आदमी है, यह भी आरोप है। जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया तब भी वो नशे में था। संजय रॉय ने डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस की जांच और इस गिरफ्तारी पर पीड़ित पक्ष को यकीन नहीं। उनका मानना है कि पुलिस की जांच में गड़बड़ है और आज हाईकोर्ट ने भी कहा कि कुछ मिसिंग लग रहा है। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता ने कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक कवर अप है, राज्य पुलिस की जांच में गड़बड़ है, इस मामले में असली फैक्ट्स पर पर्दा डाला जा रहा है। हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने बताया कि जब उन्हें वारदात से जुड़ा पहला कॉल आया तो बताया गया कि उनकी बेटी बीमार हो गई। जब अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया।
उन्हें बेटी की डेड बॉडी नहीं देखने दी गई भाई, 3 घंटे वो इंतजार करते रहे। जब माता पिता ने ये देखा कि बेटी के शव को, जब माता पिता ने फाइनली बेटी के शव को देखा, तो शव को देखते ही वो ये कह सकते थे कि ये सुसाइड का मामला ही नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। तो बॉस, जिन लोगों ने कहा कि ये सुसाइड है शुरुआती तौर पर, उन्होंने कैसे कह दिया सुसाइड है, जब माता पिता को समझ में आ रहा है जो डॉक्टर नहीं है, तो वहां अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनको देख के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुसाइड है या क्या है। और सुनिए, हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता के वकील ने आगे जो बताया वो और हैरान करने वाला है। वकील ने बताया कि पुलिस ने उन्हें मामले को सेटल करने तक के लिए कहा। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि माता पिता को उनकी बेटी का शव देखने के लिए घंटों इंतजार कराया। कोर्ट ने कहा कि अगर यह सही है कि उन्हें इंतजार कराया गया, उन्हें गुमराह किया गया, तो सही बात नहीं है। किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, प्रशासन को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। पीड़ित पक्ष को लगता है कि ऐसी हैवानियत सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता के वकील ने कहा कि एक व्यक्ति कैसे 30 से 40 मिनट में किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है, कि किसी एक आदमी का काम ही नहीं लग रहा। यानी माता पिता को यह शक है कि इस मामले में एक से ज्यादा आरोपी है, और इसलिए उन्हें लगता है कि केस को कवर अप किया जा रहा है। जिस आरोपी को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा, उस आरोपी तक पुलिस पहुंची कैसे, आपको यह भी बताता हूं। कोलकाता पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले सेमिनार हॉल के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको चेक किया। 2 सीसीटीवी कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट को कवर करते थे। पुलिस को यह पता था कि घटना रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई। इसी टाइम फ्रेम के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 7 से 8 लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज में ही पहली बार पुलिस को संजय रॉय भी दिखाई दिया। सीसीटीवी में संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। पहली बार संजय रॉय रात 11 बजे आरजी कर अस्पताल में दिखा था। फिर संजय रॉय को सुबह 4 बजे के करीब सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखा गया। करीब 40 मिनट के बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकल गया। सीसीटीवी में संजय रॉय को देखकर लग रहा था जैसे उसने शराब पी हुई। वारदात के बाद संजय रॉय अस्पताल में सिविल डिफेंस के बैरक में जाकर सो गए। उसे नहीं पता था कि वो वारदात के बाद ऐसा सबूत छोड़ आया है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को सेमिनार हॉल जाते हुए और वहां से बाहर जाते हुए देखकर संजय रॉय पर शक गहरा। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग मिला जिससे यह साबित हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय ने ही रेप किया और उसका मर्डर किया। पुलिस को सेमिनार हॉल से टूटा हुआ नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिला, वो जो गले में नहीं टांग के आप ब्लूटूथ से सुनते हैं। पुलिस को शक था कि यह ईयरफोन वारदात में शामिल आरोपी का है। पुलिस पहले यह जान चुकी थी कि ट्रेनी डॉक्टर के पास कोई ईयरफोन तो था ही नहीं। पुलिस ने फिर से संजय रॉय के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा। सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए संजय रॉय के गले में ईयरफोन था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके गले में ईयरफोन नहीं। इससे पुलिस का शक पक्का हो गया कि ईयरफोन संजय रॉय का ही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों के मोबाइल चेक किए। उन सभी लोगों के मोबाइल से ईयरफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ईयरफोन किसी के भी मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ। संजय रॉय को शक के आधार पर पुलिस उसके घर से पकड़कर लाई। संजय रॉय के मोबाइल को जब नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट किया गया तो वो कनेक्ट हो गया। इसके बाद पुलिस ने संजय रॉय को रेप और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उसके सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था, डॉक्टर के मुंह से भी खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, चेहरे पर चोट के कई निशान थे, बाएं पैर में चोट लगी हुई थी, गर्दन और पैर टूटे हुए थे, होंठों पर भी चोट के निशान थे। आप सोचिए किस निर्ममता से मर्डर हुआ है, और कहा जा रहा कि शुरुआत में इसे सुसाइड बता दिया गया, ये सब सुसाइड के लक्षण लग रहे थे। महिला डॉक्टर से ऐसी हैवानियत की वजह से ही पीड़ित माता पिता और कई लोगों को यह लग रहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके मर्डर की घटना को ममता बनर्जी के प्रशासन ने किस तरह से हैंडल किया उसे आप आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के केस से समझ सकते हैं। वारदात के बाद डॉक्टरों के गुस्से को देखते हुए संदीप घोष को उनके पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया, लेकिन 12 घंटों में उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब गजब ही चल रहा है। इस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट भड़क गया भाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि क्यों वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब संदीप घोष ने आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दिया तो कुछ ही घंटों के अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बन गया भाई, क्यों बनाया? अगर इतना ही बढ़िया आदमी है तो फिर इस्तीफा ही नहीं दिलाना था। हाईकोर्ट के जज इस पर इतना भड़क गए कि संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहा, ऐसा न करने पर खुद ऑर्डर पास करने की बात कही। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष पर लगे उन आरोपों का भी संज्ञान लिया जिसमें यह कहा गया कि संदीप घोष ने शुरुआत में पीड़िता को ही ब्लेम किया और पीड़िता को मनोविकृत बताने की कोशिश की। आप सोचिए, ऐसे आदमी से इस्तीफा लेकर और कुछ घंटे में उसको फिर बना रहे प्रिंसिपल। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल तो सभी डॉक्टर्स का गार्डियन होता है, अगर वो इस मामले में सहानुभूति नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल को घर पर होना चाहिए, उन्हें कहीं और काम करना ही नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या प्रिंसिपल इतना ताकतवर है कि सरकारी वकील उनका पक्ष रख रहे हैं? लेकिन सवाल तो यह है कि बंगाल में चल क्या रहा है, किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसको बचाओ, किसी पे रेप का आरोप लगे उसको बचाने का आरोप लगे, चल क्या रहा है बॉस? लोग कैसे पुलिस पर प्रशासन पर भरोसा करेंगे? आप यह भी देखिए कि जब भी ऐसे राज्यों में कोई अपराध होता है जहां पर इंडी गठबंधन या फिर उस गठबंधन के किसी सहयोगी की सरकार होती है तो एकदम से इंडी गठबंधन के नेता मुंह पर टेप लगा लेते हैं, कोई बोलता ही नहीं, और बोलता है तो एकदम टोन सॉफ्ट हो जाती है। जबकि बीजेपी की सरकारों वाले राज्य में कोई घटना हो जाए उसके बाद देखिए ये लोग आग कैसे फेंकते हैं मुंह से, राजनीति करने में पीछे नहीं रहते। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन किसी का ट्वीट नहीं आया, राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं, अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई ट्वीट नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी का कोई ट्वीट नहीं, महुआ मोइत्रा कोई ट्वीट नहीं। यही घटना अभी यूपी में हो जाती या किसी बीजेपी शासित राज्य में हो जाती, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा सब पहुंच जाते पीड़िता से मिलने या उसके परिवार से मिलने। अब क्यों नहीं जाते हैं? संदेश खाली जाएंगे नहीं, यहां जाएंगे नहीं और उसके बाद बताएंगे कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। इसके अलावा अगर कोई इंडी गठबंधन का नेता गलती से बोल भी रहा है तो उनकी भाषा किस तरह की है, टोन किस तरह की है, जरा वो देखिए। जैसे शरद पवार की एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले की भाषा देखिए, जब बीजेपी राज्य में वारदात होती है तब क्या टोन होता है और अभी क्या टोन है। जब बीजेपी शासित राज्य में वारदात होती है तो सुप्रिया सुले संसद में मामला उठाती है। उन्होंने 2019 में हरियाणा के मानेसर और यूपी के उन्नाव का मुद्दा संसद में उठाया, बहुत अच्छा किया मैडम, उठाना चाहिए। यूपी में रेप की वारदात पर सुप्रिया सुले कहती हैं कि यूपी में सब गड़बड़ हो रहा है, एक और लड़की का रेप हो गया, यह सब कब रुकेगा, यह समाज किधर जा रहा है। लेकिन जब बंगाल की घटना होती है तो सुप्रिया सुले का टोन सुनिए, वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को एक तरह से डिफेंड कर रही है। सुनिए एक बार उनको, फिर आपको इंडी गठबंधन के एक और नेता का डबल स्टैंडर्ड दिखाऊंगा। देश में ऐसी बहुत सी घटना होती है उसका खंडन हम सब करते हैं। ममता बनर्जी जी एक बहुत संवेदनशील नेता है और हम सबका विश्वास है कि वो जल्द एक्शन लेके उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उस फैमिली को न्याय मिले। हम हमारी बच्ची को बचा नहीं पाए हरकत से, लेकिन आगे यह ना हो इसके लिए हम सब ने संवेदनशीलता से आगे इसमें ध्यान देना चाहिए। बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं हुई उस पर कोर्ट ने क्या बोला आपको याद होगा, संदेश खाली के मामले पर क्या हुआ आपको याद होगा, अभी इस मामले में क्या हुआ आपको सामने दिख रहा है। लेकिन सुप्रिया सुले को ममता बनर्जी संवेदनशील दिखती है जबकि हाईकोर्ट लताड़ लगा रहा है प्रशासन को, पुलिस को। और यूपी में कुछ हो जाए, बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो सीधा समाज खत्म हो जाता है इनकी नजर। इसी तरह से आप प्रियंका वाड्रा को देख लीजिए, जब यूपी में कोई घटना होती है तो वो क्या लिखती है और जब बंगाल में कोई घटना होती है तो उनकी भाषा क्या होती है। यूपी में जब कुलदीप सेंगर वाला मामला चल रहा था तब 17 अगस्त 2019 को प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट किया था, सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, लेकिन भाजपा वालों के दिल में अभी भी बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर का वास है। भाजपा के बड़े नेताओं का फोटो भी उनके साथ है, क्या उनसे कोई टिप्पणी आएगी? ये प्रियंका वाड्रा। अब जब कोलकाता की घटना हुई तो प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। टोन देख रहे हैं कैसे चेंज हो गया,
मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टरों को न्याय मिले। यानी आप देखिए कि भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ यूपी जैसे राज्यों के लिए तो बिल्कुल सीधा हमला हो जाता है सरकार पर, लेकिन जब बंगाल जैसे राज्य की बात आती है तो ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठते हैं, तो प्रियंका वाड्रा जैसे नेताओं को उस तरह का आक्रोश नहीं दिखता जैसा कि दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकारें जहां पर होती है वहां पर दिखता है। दिल्ली में नहीं बोल पाए ये लोग जब वहां पर कोचिंग में छात्र मर गए, उसके बावजूद ये लोग सिस्टम अधिकारी ये सब करते रह गए। और उसके अलावा कहीं देख लीजिए, हो जाए बीजेपी शासित राज्य में मुख्यमंत्री से नीचे तो बात ही नहीं करते, सीधा पीएम तक चले जाते हैं ये लोग। बस विपक्ष में है, पब्लिक की बात करनी है तो पब्लिक का मुद्दा ईमानदारी से उठेगा कि दोस्ती यारी देख के उठेगा? बंगाल के मामले में कांग्रेस से वही नेता बोल रहे हैं जिनकी हैसियत कांग्रेस ने खुद मिटा दी और उन्हें किसी पद के लायक नहीं रखा। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता जो ममता बनर्जी की सरकार से संघर्ष करते रहे हैं, उन्होंने कोलकाता की घटना पर बोला, लेकिन कांग्रेस तो ममता के विरोधी अधीर रंजन चौधरी को किनारे लगाकर बैठी है। फिर भी सुनिए अधीर रंजन ने क्या कहा। ये सरकार सब चीज में अनदेखी कर रहे हैं, दोषी को मदद करना चाहते हैं। घिनौने घटना घटी है, एक नहीं बंगाल में इस तरह की बलात्कार की घटना घटते जा रही है। ये तो एक नहीं है, पहले भी घटी है, आज भी घट रही है। सरकार है वो सक्षम नहीं है, हालांकि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ मांग करेंगे आप? ये मांग तो करते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को बचाने की कोई कोशिश ना किया जाए और सारे मामले को गुमराह करने की कोशिश। रवैया किस तरह का है अभी तो, सरकार का रवैया किस तरह का है इस पूरी घटना में? लोग खुशी नहीं है बंगाल के लोग जिस तरह की सरकार की रवैया। अब आप बताइए बॉस, क्या सीरियसनेस है इन लोगों की? राहुल गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, प्रियंका वाड्रा सहम सहम कर धीरे धीरे कुछ कुछ हल्का फुल्का बोल देंगी, अधीर रंजन चूंकि इनको बंगाल में पॉलिटिक्स करनी है तो एक काम करो तुम खुल के बोल दो, ये पब्लिक के लिए इनके भाव हैं, सेंटिमेंट है। इस मामले में तो टीएमसी अलग ही लेवल पर बात कर रही है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तो ममता बनर्जी का बचाव करते हुए सीधे सीबीआई पर सवाल उठा दिए कि सीबीआई कर ही क्या लेगी। आप सुनिए इनको, आप दंग रह जाएंगे। हाईकोर्ट कह रहा है सीबीआई जांच करे, और शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए क्या बोल रहा है। इतना जघन्य अपराध को और इसके लिए सीधा बंगाल की इतनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पूरे देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री उस पर सारा इल्जाम लगाना, चाहे उनको कहना कि वो कुछ नहीं कर रही है। अरे एक्शन तो हुआ है, एक्शन के बाद ही आप रिएक्शन लेंगे ना। सीबीआई की मांग हो जाए क्या उसमें क्या बुरा है, ठीक है, लेकिन सीबीआई भी कोई होली काउ नहीं है। सीबीआई में बहुत सारे लोग पुलिस वाले लोग ही हैं, बहुत सारे लोग पुलिस से ही जाते हैं सीबीआई में, और ये सीबीआई को होली ऐसा नहीं कि सीबीआई ने सारा केस ठीक कर दिया आज तक। शत्रुघ्न सिन्हा जी एक बार जाएं कोर्ट को समझाएं कि सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी, ममता बनर्जी लोकप्रिय नेता हैं, उसके बाद बच्ची के साथ जो हो रहा है होता रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। ममता बनर्जी लोकप्रिय है, उनकी सरकार लोकप्रिय है, पुलिस कर देगी जो करना है, भले हाईकोर्ट को जाना दिखता होता हुआ दिखे नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा को दिख रहा है कि हो रहा है। बस जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो देशभर की डॉक्टर कम्युनिटी के आक्रोश को समझ ही नहीं रहे हैं क्या? कोलकाता केस में डॉक्टरों का एक दल आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है, बंगाल सरकार ने इस केस को दबाने की कोशिश की। सुनिए एक बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, लॉलेसनेस चरम शिखर पर है, और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है, और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है, ये और भी चिंताजनक है। कोलकाता के केस में इंडी गठबंधन के नेता बोल नहीं रहे तो यूपी में कन्नौज के मामले में ममता बनर्जी जैसी नेता चुप है। यानी एक तरह से ऐसा गठबंधन है कि हमारे मामले में तुम मत बोलो, तुम्हारे मामले में हम चुप रहेंगे, और नरेंद्र मोदी का मामला हो ना हो हम मिलकर चिल्लाएंगे। यूपी के कन्नौज का मामला और बड़ा होता जा रहा है भाई। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर रेप की कोशिश का आरोप लगा तो समाजवादी पार्टी समेत पूरी इंडी गठबंधन ने चुप्पी साध ली। समाजवादी पार्टी तो बाकायदा यह साबित करने में जुट गई कि नवाब सिंह यादव के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई।
और आखिर में समाजवादी पार्टी को भी मानना पड़ा कि नवाब सिंह यादव उनका नेता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के एक रसूखदार नेता पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और पूरा इंडी गठबंधन ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं हुई है। अखिलेश यादव एंड टीम भले ही नवाब यादव से किनारा कर, लेकिन नवाब सिंह पर आरोप लगाने वाली पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है उससे नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कई खुलासे किए हैं। नवाब सिंह यादव के खिलाफ नई धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, नवाब सिंह यादव के खिलाफ रेप की धारा लगाई जा सकती है। जिस नवाब सिंह यादव को आज समाजवादी पार्टी अपना मानने तक से इनकार कर रही है उसका क्या रसूख है और कितना दबदबा है वो आपको बताता हूं। जब अखिलेश यादव सीएम थे तो नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उसकी पहचान थी। नवाब सिंह यादव को किंग मेकर तक कहा जाता था। नवाब सिंह यादव डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा, यह भी कहा गया। अखिलेश जब कन्नौज से सांसद बने तो नवाब सिंह यादव एसपी में शामिल हुआ। नवाब सिंह यादव समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। यानी नवाब सिंह यादव का कन्नौज में डंका बजता था और यह बात खुद कन्नौज के लोग बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी माने ना माने, आप सुनिए कन्नौज के लोग क्या सच्चाई बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकार रही है, यहाँ आप छोटे छोटे से कार्यकर्ता या किसी भी पब्लिक के आदमी से पूछेंगे सब बताएंगे, समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह यादव की यहाँ स्थिति मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर थी। बच्चा बच्चा कन्नौज का जानता है कि नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बहुत करीब है। और मदरी क्या करते थे और गुंडागर्दी जहाँ करते थे, गुंडागर्दी करते थे। किस तरह की गुंडागर्दी रहती? अरे राघव उनकी बड़ा उनको बोलवाला रहा, बहुत ज्यादा बोलवाला रहा है, उनके बिना कोई काम नहीं होता। नवाब सिंह यादव डिंपल जी के 5 साल के कार्यकाल में उनके प्रतिनिधि रहे और जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष ने लेटर दिया है महा झूठ दिया है, इससे पूरी जनता देखेगी कि समाजवादी पार्टी कितना झूठ बोल रही है। कन्नौज की घटना पर बीजेपी भी लगातार हमलावर। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा राहुल और अखिलेश को निशाने पर लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यूपी के 2 लड़के जब से साथ आए हैं तब से अपराधियों के हौसले बढ़ गए। यूपी के जो 2 लड़के जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं, और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अपराधियों को लेकर इन दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और सपा, इन दोनों लड़कों के बीच में कैसी दुरभिसंधि है। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ भी सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की की बुआ भी संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित की बुआ को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। जांच आगे बढ़ने के साथ पीड़ित की बुआ से जुड़ी कई बातों का खुलासा हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि पीड़ित की बुआ पर भी आरोप लग रहे हैं। पीड़िता ने 164 के तहत बयान दर्ज कराया है जिसके बाद उसकी बुआ पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी बंगाल से लेकर यूपी तक में जिस तरह से मामले महिलाओं के उत्पीड़न के सामने आ रहे हैं और उसके बावजूद इंडी अलायंस चुप है, इसको लेकर कई सवाल। और कन्नौज मामले में इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रेप की पुष्टि भी हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। तो यानी नवाब यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। चीन की गोद में बैठने गया मालदीव, मोदी ने वो किया कि लौटकर भारत के पास आया। मोदी की वो डिप्लोमेसी जिसने चीन के सपने को चकनाचूर कर दिया। और मोदी ने कौन सा संदेश भिजवाया कि बांग्लादेश हिंदुओं से माफी मांगने पर उतर आया, अब इसका चर्चा। कल हिंडनबर्ग जैसी विदेशी ताकतों की साजिशों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आज भारत की ताकत का एहसास उन लोगों को भी होने लगा जो भारत विरोधी माहौल बनाने में पिछले कुछ समय से पूरा जोर लगा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई।
माहौल बनाया गया कि एक और पड़ोसी भारत के हाथ से निकल गया। वहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। मालदीव को लेकर भी इस तरह का एक और एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश हुई थी, आपको याद होगा। कहा गया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत से दूरी बनाकर अब चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। लेकिन आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ने एक एक कर हर एंटी इंडिया नैरेटिव की हवा निकाली और जो लोग भारत विरोधी माहौल बना रहे थे वो एक एक करके सरेंडर कर रहे हैं। सबसे पहले बात आपको मालदीव की बताता हूं। आपको याद होगा ना, मालदीव का बड़ा बीच में हंगामा हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने इधर फोटो खिंचाई बीच पर, उधर मालदीव जो है वो बार बार कह रहा था इंडिया बाहर जाओ, इंडिया बाहर जाओ वाला हिसाब। कुछ समय पहले तक इंडिया आउट की बात करने वाला मालदीव आज पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से थैंक यू इंडिया कहने लगा है। जिस मालदीव के लिए कहा जा रहा था कि वो चीन के इशारे पर एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा है, उसी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक। जो मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट अभियान चलाकर मालदीव की सत्ता में आए, उन्हीं ने अब इस अभियान से दूरी बना ली है। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का रौला। मोइजू अब कह रहे हैं कि वो मालदीव में ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं देंगे जो मालदीव सरकार की विदेश नीति के खिलाफ हो। मोइजू ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार इंडिया आउट अभियान को जारी रखने की मंजूरी देगी। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के इस बदले हुए रुख की वजह भी जान ली। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 अगस्त से 11 अगस्त तक मालदीव का दौरा किया, जिसे पीएम मोदी की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक बताया जाना, क्योंकि मोहम्मद मोइजू के मालदीव की सत्ता संभालने के करीब 9 महीने बाद भारत की तरफ से पहली हाई लेवल विजिट। इस दौरे में एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ ही वहां के दूसरे मंत्रियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान एस जयशंकर ने मालदीव में पीने के साफ पानी से जुड़े सबसे बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए मालदीव के 28 द्वीपों में पीने के साफ पानी और सीवरेज सिस्टम का नेटवर्क तैयार करेगा। मालदीव के 28,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। भारत इस प्रोजेक्ट के लिए मालदीव में करीब 920 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो जो मोइजू इंडिया आउट के नारे से आए, अब वो इंडिया के सहारे अपने लोगों को पानी पिलाएंगे, वहां सीवरेज की व्यवस्था करेंगे। ये है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी। अब यह समझना जरूरी है कि भारत और मालदीव के बीच पीने के पानी को लेकर यह डील कितनी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मालदीव में 2014 के बाद एक बार फिर बड़े जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। 2014 में भी भारत ने संकट मोचक बनकर मालदीव की मदद की। उस वक्त भारत ने ऑपरेशन नीर चलाकर मालदीव के लिए पीने के पानी की सप्लाई की थी। दिल्ली से एयरफोर्स के C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद से करीब 374 टन पीने का पानी मालदीव पहुंचाया गया। इस बार भी जल संकट से निपटने के लिए भारत ही मालदीव का मददगार बना है। इसलिए मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भारत के साथ हुई इस डील से गदगद है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए भारत सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। भारत और मालदीव की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। यह सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग के जरिए दोनों देशों को नजदीक ला रही है। भारत और मालदीव मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल, अधिक खुशहाल भविष्य बना रहे हैं। यानी जो मोइजू कल तक चीन की गोद में जा बैठा था, वो अब गोद से उतर चुका है, टाटा बाय बाय करके भारत के साथ हाथ मिला रहा है। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी। हालांकि भारत और मालदीव के बीच मजबूत होते रिश्ते चीन को हजम नहीं हो रहे। हमारे यहां भी कुछ लोगों को नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल चीन के बारे में बात करता हूं। जिस तरह मालदीव के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ की, उससे चीन तिलमिला गया। चीन के लिए अब मालदीव के साथ संबंध दूर के अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई, जिसकी झलक चीन के बयान में दिखी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन मालदीव के साथ कोई बहुत खास संबंध नहीं रखता है, ना ही उसकी कोई ऐसी इच्छा है, लेकिन भारत चीन का डर दिखाकर जरूर इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। ये वही मोइजू हैं जो भारत आने से पहले यहां गए थे ये जिनपिंग के पास मिलने, तब चीन के लिए ठीक थे। अब नरेंद्र मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से पूरा गेम पलट दिया, तो कह रहे नहीं इससे तो ज्यादा दोस्ती भी नहीं थी, ठीक है रहे किसी के साथ। असल में पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद मालदीव ने चीन के इशारे पर भारत को तेवर दिखाने की खूब कोशिश की। दोनों देशों के बीच रिश्ते उस वक्त और तल्ख हो गए जब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों को लेकर मालदीव के नेता और मंत्रियों ने पीएम मोदी को खूब भला बुरा कहा था। लेकिन जब भारत के लोगों ने मालदीव टूरिज्म का बॉयकॉट करना शुरू किया, तो मालदीव को अपनी गलती का एहसास हुआ।
क्योंकि मालदीव के टूरिज्म में सबसे बड़ा हिस्सा भारत से पहुंचने वाले पर्यटकों का है और टूरिज्म घटने से पहले से डगमगा रही मालदीव की इकोनॉमी की हालत और भी खराब हो गई, जिसके बाद मालदीव लाइन पर आ गया। वहां की सरकार के सुर बदलने लगे और मालदीव सरकार भारत से पुराने रिश्तों का हवाला देकर मदद की अपील करनी शुरू करने लगी। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जून में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे और पीएम मोदी ने भी मालदीव को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को सुधारने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 दिनों की मालदीव की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच यूपीआई पेमेंट को लेकर भी समझौता हुआ, जिस पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन ने कहा कि यूपीआई समझौते का असर मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर होगा। यूपीआई सर्विस शुरू होने से लोग तुरंत पेमेंट कर पाएंगे, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। असल में मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 30% है और टूरिज्म मालदीव की विदेश मुद्रा का करीब 60% से अधिक हिस्सा जनरेट करता है। टूरिज्म सेक्टर से ही मालदीव में 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यानी जब नरेंद्र मोदी ने वो लक्षद्वीप वाला दांव खेला, टूरिज्म का बॉयकॉट हुआ मालदीव का, फिर भी मोइजू चीन के पास गए तो लोगों ने कहा मोदी जी तो खत्म, कुछ नहीं कर पाए। अब बॉस नरेंद्र मोदी इतना हल्का दांव नहीं चलते और ना ही इतनी छोटी सोच के साथ चलते हैं। लंबा विजन, लंबी प्लानिंग, कहां चोट करनी है और भारत का हित कैसे ऊपर रखना है, यह उन्हें बहुत अच्छे से आता है। भारत के साथ रिश्ते पटरी पर आने से मालदीव क्यों खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, इसके लिए भारत और मालदीव के बीच व्यापार के आंकड़ों को देखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि मालदीव किस हद तक भारत पर डिपेंडेंट है। भारत और मालदीव को अगर आप देखेंगे, उनका जो रिश्ता है वो अगर आप व्यापार की दृष्टि से देखेंगे, भारत मालदीव जो इनका कुल व्यापार है, टोटल व्यापार, वो अगर आप अनुमान लगाइएगा तो वो बैठता है करीब 4,165 करोड़ रुपए का, 4,165 करोड़। और भारत जो मालदीव को एक्सपोर्ट करता है वो है 4,115 करोड़। अब आप समझ जाइए भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, और मालदीव से इंपोर्ट भारत खाली करता है 50 करोड़। यानी टूरिज्म, डिफेंस, पानी, साफ सफाई, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, पुलिस और आर्थिक स्थिरता, सब के लिए मालदीव भारत पर निर्भर है। कैसे बोल दोगे यार तुम कि इंडिया आउट, इंडिया आउट? तुम खुद क्लीन बोर्ड होके बैठे रहोगे इस पवेलियन में। और सिर्फ मालदीव की बात नहीं है, आप बांग्लादेश की बात करके आपको बताता हूं, जहां एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है, भारत से नफरत में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश के बाद सब लाइन पर आने लगे। वहां की अंतरिम सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की सुरक्षा की बातें होने लगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस आज ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ढाकेश्वरी मंदिर में मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश के लोगों के धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की अपील की। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि वो ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जो एक परिवार की तरह और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब यहां शांति से रह सके। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, समाज में इस तरह के भेदभाव की जरूरत नहीं है, इसे दुरुस्त करना होगा, इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा, देश के सभी लोगों के लिए एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। टोनी चेंज हो गया भाई, बांग्लादेश अब हिंदुओं से माफी मांग रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने में नाकाम रहने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। सखावत हुसैन ने कहा वो अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगते हैं, बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए वो समाज से अपील करते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, वो हमारे भाई हैं और हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं। यही नहीं, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने उन लोगों पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया है जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उन पर हमले किए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार खालिद हुसैन ने कहा कि सरकार उन मंदिरों की लिस्ट बना रही है जिन्हें तोड़ा गया है, जहां लूटपाट की गई है, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनाई जा रही है, जिन्होंने नुकसान किया है उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। और यह सब पीएम मोदी के उस ट्वीट का असर है जिसने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को हिम्मत दिलाई। मुझे पूरी उम्मीद है बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई है, भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया कि बॉस ये हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट में लिख दिया खुलकर दुनिया के सामने
उनको हिंदू वर्ड लिखने से दिक्कत थोड़ी है, जैसे हमारे यहाँ के दूसरे नेताओं को दिक्कत है, हिंदू लिख ही नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है हिंदू की स्पेलिंग ही नहीं आती है। हिंसा के विरोध में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बनने पर मोहम्मद यूनिस को बधाई दी थी और साफ कर दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार गंभीर है। पीएम ने साफ साफ लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी क्लियर मैसेज दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि ये जो चल रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा, बॉस ठीक कर लो। मालदीव और बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल को लेकर चलाए जा रहे एंटी इंडिया नैरेटिव की भी अब धज्जियां उड़ रही। केपी शर्मा ओली के फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह नैरेटिव भी चलाया जा रहा था। यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि केपी शर्मा ओली चीन के समर्थक हैं और भारत के विरोधी, लेकिन पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने इस नैरेटिव को भी फेल कर दिया। केपी शर्मा ओली ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल का दौरा करने का निमंत्रण भेजा। यही नहीं, हाल में केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएम यूएमएल ने भी साफ कर दिया कि भारत विरोधी रुख को अपनाकर नेपाल अपने लोगों के हितों को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी पड़ोस में हर एक देश जो बर्बाद हो रहा है उस आग से भारत बचा हुआ भी है, और नरेंद्र मोदी किसको कैसे टाइट करना है, लाइन पर लाना है भारत के हित को ऊपर रखते हुए, यह भी बखूबी निभा रहे हैं भूमिका।